सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम हेयर को ड्रॉ करने वाले हैं एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हेयर को ड्रॉ करनी है। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऑब्वियसली मैंने इस वाली फ़ोटो को चूज़ करी है एंड मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। सो आप वहाँ से इजिली इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड हमें इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपने कौन सी मिस्टेक्स करी है इसे ड्रॉ करने में। सो इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चारकोल का यूज़ करके ही इस पूरे हेयर को ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए मैंने चारकोल का जो यूज़ करी है वो हार्ड चारकोल है एंड सॉफ्ट चारकोल है एंड मैंने नॉर्मल चारकोल का यूज़ नहीं करी है इसमें। तो जो कि आपको पता ही होगा, हार्ड चारकोल मतलब लाइट चलती है एंड जो सॉफ्ट चारकोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होती है। सो बेसिकली मैं अब इसका आउटलाइन को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो। और हाँ, मैं जो इस वाली फ़ोटो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको एंड ड्रॉ कर सको। तो आप देख सकते हो मैं कितनी अच्छी तरह से मैं फ़ोटो को ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड इसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप फ्री हैंड आउटलाइन को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए आप कोई भी मेथड, ग्रिड मेथड का यूज़ करके आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस, इस तरह से मैं इसकी पूरी आउटलाइन को ड्रॉ कर ले रहा हूँ फटाक से। तो गाइस, जो इसकी हेयर की आउटलाइन थी वो मैंने फाइनली कंप्लीट कर ली है। अब देख सकते हो मैं हेयर में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं स्ट्रोक्स को लगा रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए जो हार्ड चारकोल है उसका यूज़ करी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट पेंसिल्स होती है। तो उससे मैं स्ट्रोक्स को लगा रहा हूँ लाइटली लाइटली, एक बेसिक शेप में, मतलब जिस तरह से रेफरेंस में स्ट्रोक्स लगाई हुई है उसी तरह से मैं स्ट्रोक्स को दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको भी देनी है एंड एक लाइट प्रेशर में। आपको प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि आप हाइलाइट्स को देने में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली हाइलाइट्स को दे सकते हो। तो इस तरह से आपको स्ट्रोक्स को लगानी है। सो गाइस, सिंपली इसी प्रेशर के साथ एंड इसी तरह से सारे कंप्लीट हेयर में आपको स्ट्रोक्स लगा देनी है। जिस तरह से आपको रेफरेंस में डायरेक्शन दी गई हुई है उसी डायरेक्शन में आपको सारे स्ट्रोक्स को लगानी है। ये बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है एंड जो हाइलाइट्स है एंड डार्क वैल्यूज़ है उसे आपको अच्छी तरह से देखना है एंड स्ट्रोक्स लगाना है। तो सिंपली आपको इस तरह से पूरे हेयर में स्ट्रोक्स लगा देनी है, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। तो गाइस, अब मैं सेकेंड लेयर चारकोल का यूज़ करके दे रहा हूँ। तो ये सेकेंड लेयर के साथ साथ फाइनर लेयर भी है, बिकॉज जो सॉफ्ट चारकोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। तो इसे हम अच्छी तरह से देंगे एंड ये हमारा फाइनल लेयर है, तो इसे हम अच्छी तरह से देखेंगे एंड देंगे। तो फ़ोन में आपको अच्छी तरह से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड लेयर को दे रहा हूँ, स्ट्रोक्स को दे रहा हूँ उसी डायरेक्शन में जिस तरह से मैंने फर्स्ट लेयर दी थी, उसी डायरेक्शन में मैं सेकेंड लेयर को भी दे रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी देनी है एंड हाइलाइट्स एंड डार्क वैल्यूज़ को आपको देखते हुए देना है। ये बात मैं हर बार बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेयर के लिए। सो गाइस, जिस तरह से आपने फर्स्ट लेयर दी है हार्ड चारकोल का यूज़ करके, उसी सेम प्रोसेस का यूज़ आपको सेकेंड लेयर में भी करना है एंड हल्के हाथों से आपको स्ट्रोक्स को लगाने हैं पूरे हेयर में, सिंपली जिस तरह से आपने फर्स्ट लेयर को दी थी उसी तरह से। बाय द वे, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ मिल जा रही है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जिस तरह से मैंने फर्स्ट लेयर हार्ड चारकोल का यूज़ करके दे दी थी, उसी डायरेक्शन में मैं सेकेंड लेयर को भी दे दूँगा पूरे हेयर में। तो कैन यू सी, सुबह जो हमारा सेकेंड लेयर था सॉफ्ट चारकोल के थ्रू, वो भी मैंने फाइनली कंप्लीट कर ली है। अब मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। तो जो उसकी इफ़ेक्ट है वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क आ रही है। तो सिंपली इसी तरह से आपको पूरे हेयर में ब्रशेस ब्लेंडिंग कर देनी है। जिस डायरेक्शन में आप पेंसिल्स को यूज़ किए थे, स्ट्रोक्स को लगाए थे, उसी डायरेक्शन में आपको ब्रश भी यूज़ करना है। सो गाइस, अब मैं मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके जो साइड में जो एक दो ठो हेयर निकले हुए होते हैं उस हेयर को मैं मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके दे रहा हूँ, बिकॉज़ वो हेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है एंड बेसिकली उसी शेप में, जिस तरह से आपको रेफरेंस में दी गई है एक दो ठो हेयर,
उसी डायरेक्शन में आपको हेयर को स्ट्रोक्स लगानी है। बिगनर्स को ये बात पता नहीं होती है। तो गाइस अब मैं जो हाइलाइट्स है इसमें हेयर में, उस हाइलाइट्स को देने के लिए मैं मैकनो इरेजर का यूज़ करूँगा, जो कि इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आप मैकनो इरेजर के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने स्पेशली इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है आपको, तो ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। सिंपली इस तरह से आपको रेफरेंस में ऑब्जर्व करनी है हाइलाइट्स को, एंड मैकनो इरेजर के थ्रू आप दे सकते हो। एंड अगर आपके पास मोनो जीरो इरेजर है तो आपको तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली दे सकते हो। तो सिंपली मैं पूरे हेयर में इसी तरह से हाइलाइट्स को दे दूंगा। कैन यू सी कि मैं किस तरह से दे रहा हूँ? तो गाइस जिस तरह से मैंने उस वाली साइड की हेयर को ड्रॉ करी थी, उसी तरह से मैं इस साइड की हेयर को भी ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले मैं हार्ड चारकोल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। जिस तरह से रेफरेंस में डायरेक्शन दी गई है उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स को लगा रहा हूँ। ये बात को आपको ध्यान में रखनी है एंड ड्रॉ करनी है। तो गाइस सिंपली जो हमारा फर्स्ट लेयर थी वो कंप्लीट हो ही गई है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से हाइलाइट्स को देखते हुए ही स्ट्रोक्स को लगाया हूँ, एंड डार्क वैल्यूज़ को देखते हुए ही स्ट्रोक्स को लगाया हूँ। तो अब मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ सेकंड लेयर देने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। सो इस लेयर को भी मैं उसी तरह से दूंगा जिस तरह से मैंने फर्स्ट लेयर को पूरा कंप्लीट हेयर में दिया है, उसी तरह से मैं सेकंड लेयर को भी दूंगा सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करके। इसी तरह से आपको भी देनी है, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से डाउनलोड करो एंड स्टार्ट करो आप भी ड्रॉ करना। एंड हमें आप इंस्टाग्राम में मेंशन कर सकते हो, तो ताकि आप जो मिस्टेक्स करो उस मिस्टेक्स को मैं इजीली बता सकूँ। सो कैन यू सी कि मैं किस तरह से सेकेंड स्ट्रोक्स को भी लगा रहा हूँ? तो इसी तरह से सिंपली आपको पूरे हेयर में सेकेंड स्ट्रोक्स भी लगा लेनी है। एंड जहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ दिख रहे हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ और भी लेयर करके आप उस वैल्यूज़ को दे सकते हो। तो गाइस इस साइड में भी मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर दे रहा हूँ, जिस तरह से मैंने उस वाली साइड में करी थी। सेम उसी प्रोसेस का यूज़ करके मैं इस वाली साइड में भी मेकअप ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो, एंड ब्लेंड आपको उसी डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में आपने पेंसिल्स से स्ट्रोक्स को लगाए हैं। तो आप देख सकते हो उसी डायरेक्शन में मैंने ब्रश का यूज़ करी है। देन अगेन मैं मैकनो इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट्स को दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर आपने उस वाली साइड में नहीं समझा था कोई बात तो आप इस वाली साइड में समझ सकते हो। तो आप देख सकते हो अब मैं हाइलाइट्स को दे रहा हूँ अच्छी तरह से, जो रेफरेंस है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड हाइलाइट्स को दे रहा हूँ। सो बाय द वे आप हमारी जो हेयर है उसकी आप लुक देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आई है। तो इसी तरह से आपको भी ड्रॉ करना है। एंड आप देख सकते हो जो मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके जो स्ट्रोक्स निकले हुए होते हैं एक दो ठो हेयर, उस हेयर को मैंने दे दिया। तो फाइनली जो हमारा हेयर था वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसी लग रही है। ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस डू लर्न। बाय बाय, टेक केयर।